कैमरामैन फोकस करो। सो बस हम लोग दुल्हन के घर से हम लोग यहाँ पर अपने जहाँ हुज़ैफ़ा का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है वहाँ आ गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, करीब में था, तो हम लोग जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस आ गए थे और यहाँ सारी बहनें नीचे वेट करें क्योंकि दूल्हे के साथ ऊपर जाना है हम लोग को। सो बस यहाँ अब दूल्हे की एंट्री होने वाली है और यहाँ पर हम लोग पूरा रेडी थे यहाँ पर एंट्री करने के लिए और सच में मजा आ गया। मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे गाने चल रहे थे और यहाँ डांस हो रहा था, लेकिन बस वही है ना कि कॉपीराइट आ जाता वरना मैं डाल देती। इतने अच्छे से यहाँ पर हम लोग ने एंट्री करी है। यहाँ पर सारी बहनें खड़ी हुई है, गजाला मामी खड़ी हुई है, सीमा आंटी खड़ी हुई, मेरी छोटी सबसे छोटी खाला और यहाँ से दिल्ली से जो मेरी खाला आई हुई है वो भी हैं और बस सब यहाँ पर अपने हैं। बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, मजा आ रहा था। तो आइए चलिए इस हल्दी के फंक्शन के थ्रू मैं आपसे मिलवाती हूँ, इंट्रोडक्शन करवाती हूँ मेरी फैमिली। मेरे चार मामू हैं, उनमें से ये दो मेरी मामियाँ, शबाना मामी जो पीछे देख रही हैं और ये निखत मामी, ये भी मेरी खलेरी बहन है और उनके हस्बैंड है ये इखलाक भाई। मैंने इससे पहले भी दिखाया है यूसुफ की बेटी, यूसुफ मेरे बड़े वाले मामू के बेटा है, उसी की बेटी है ये। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी, मैं इसको लेके गई थी अपनी सास से मिलवाने के लिए क्योंकि वो पहली बार देख रही थी यूसुफ की बेटी को। यहाँ सारे कजिन्स फ्रेंड्स मिलके बॉयज में डांस कर रहे थे और यहाँ देखिए रन्नुम बैठी हुई मेरे बगल में, सब मेरी खलेरी बहनें हैं, ये मेरी छोटी खाला भी हैं और येलो कपड़े पहने हुए हैं और जेबा बैठी हुई ब्लैक कलर कपड़े में। हल्दी के फंक्शन में सारे अपने थे, कोई बाहर का नहीं था, कोई भी आउटसाइडर नहीं था, सारे सारे कजिन्स, सब कजिन्स और कोई नहीं। यहाँ देखिए दोनों मामियाँ खड़ी हुई, गजाला मामी और शबाना मामी, और ये शबाना मामी की दोनों बहू हैं, सरफराज की दुल्हन और मुदस्सर की दुल्हन। मेरे बाद जो बहन है वो नाजिया, ये जो ग्रीन रंग का दुपट्टा पहनी है गेरी, तो ये नाजिया है।
अब स्टेज पे सारी बहनें आ गई थी और बहनों ने मिलके डांस किया है यहाँ पर उज़ैफा के साथ। ये मज़र उज़ैफा का बड़ा भाई। मैंने आप लोग को बताया था ना पिछले व्लॉग में कि मेरी एक खाला, मेरी बड़ी चाची भी हैं, मेरी खाला भी, बड़े खाला भी हैं, तो ये मेरे चाचा भी हैं और मेरे बड़े खालू भी हैं, इन्हीं के साथ दो रिश्ते हैं। ये मेरी अम्मी। आज आप सब लोग को देख लीजिएगा मेरी फैमिली में कौन कौन है। ये मेरी बड़ी खाला है, और ये मेरी सबसे छोटी खाला है सीमा आंटी, तीनों बहनें। ये मेरी बड़ी खाला है और ये इनके तीनों बच्चे तरन्नुम, निशा, ज़ीबा। निशा सऊदी से आई है अभी। गुड्डू मामू के बाद ये उनसे छोटे हैं राजा मामू। और जो जो वीडियो लेना, जो वीडियो लेना वो मेरी। और इस बार मेरे कैमरे ने सबको कैप्चर कर लिया, पापा, मम्मी, फसी। और ये अर्शिया आंटी है, ये मम्मी की ममेरी बहन है। अल्लाह से बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुई, हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि पहले दुल्हन के घर जाना था, फिर हुज़ैफ़ा का फंक्शन अटेंड करना था, बस थकावट बहुत हो गई थी। अब दुल्हन वाले आए हैं पलटावा लेकर यहाँ पर पूरे बधावा के साथ। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तरीके से सजा के दुल्हन वाले लेकर आए हैं। सब इसको बधावा बोलते हैं।
और सब में फरीन हुज़ैफ़ा नाम लिखा हुआ है। देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे, बुलंद करे और बस ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। यहाँ देखिए मेरे मामू और फसी सब मिलके मेरे नाना को लेकर आ रहे हैं और गुड्डू मामू भी हैं साथ में। और वो हर जगह नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो उनको ज़बरदस्ती हॉल में लेकर आया गया है। और यहाँ बैठे हुए अजीज़ फैमिली की बुनियाद तैयब अजीज़ी, जिनके 7 बच्चे, 4 बेटे, 3 बेटियाँ। 4 बेटों में से 1 बेटे का इंतकाल हो चुका है और 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। वो 3 बेटे मेरे 3 मामों, गुड्डू मामू, राजा मामू, पाशा मामू, और 3 बेटियों में मेरी अम्मी, मेरी तायर आंटी और मेरी सीमा आंटी, और इनसे हम लोग सब हैं। ये बड़ी अम्मी नहीं है मेरी यहाँ पर इसमें, बाकी सब है। तो बस ये ब्लॉग अगर मेरा आपको अच्छा लगता है, हल्दी का फंक्शन ब्लॉग, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और प्लीज़ न्यू मेंबर्स, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बड़ा आपके ब्लॉग के।